हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साम एक्सप्रेस। तो आज जो हमारी बात होने वाली है वो यूपीपीएससी रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एआरओ आरओ और एआरओ की इनहैंड सैलरी के बारे में होगी। और हम लोग जानेंगे इसी में कि प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, कैसे प्रमोट किए जाते हैं ऊपर, ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सब हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको सारी बातें इन डिटेल जानने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यूपीपीएससी आरओ और एआरओ समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एआरओ और इसका प्रीलिम्स में क्या एग्ज़ाम पैटर्न आता है। तो प्रीलिम्स में आप देख सकते हैं टू पेपर है, पेपर वन पेपर टू, 120 मिनट्स और 60 मिनट्स, ठीक है। आपको अल्टरनेटिवली मिलता है दोनों पेपर के लिए 200 और टोटल में देखें अगर तो 200 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 मार्क्स के होते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें फिर मेंस कि मेंस में क्या होता है, ठीक है, तो मेंस में आपका 180 मिनट्स का टू फेज में होता है, पार्ट वन, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, ठीक है। इसी में आपका टोटल जो पेपर वन होता है 120 मिनट्स उसमें मिलते हैं, और पेपर टू और थ्री में आपको दोनों में मिला के 180 मिनट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपकी हो गई मेंस की एग्ज़ाम पैटर्न की बात बारे में बात, ठीक है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ें और देखें कि इसका ये प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, मतलब सॉरी सिलेबस क्या है, ये सिलेबस मेंशन है, ठीक है। एआरओ आरओ और समीक्षा अधिकारी का यूपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है प्रीलिम्स के लिए, तो ये प्रीलिम्स के लिए आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल हिंदी का दोनों पेपर का मेंशन है, तो ये आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। वहीं अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं कि क्या है यूपीपीएससी आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी का मेंस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो ये आपका जनरल स्टडीज़, जनरल हिंदी और पार्ट वन और पार्ट टू दोनों, और हिंदी ऐसे पेपर थ्री, ये आपका तीनों मेंशन है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। यूपीपीएससी के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है। यूपीपीएससी जो है आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, ये स्टेट एजेंसी ऑथराइज टू कंडक्ट द सिविल एग्जामिनेशन फॉर एंट्री अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस ग्रुप ए ग्रुप बी सिविल सर्विसेज ऑफ उत्तर प्रदेश, या तो आपको पता ही होगा, ठीक है। फॉर्मेशन जो है 1 अप्रैल 1937 को हुआ था, 84 ईयर्स अगो, ठीक है। वहीं लोकेशन जो है कस्तूरबा गांधी मार्ग में है, प्रयागराज इलाहाबाद में। तो ये आपकी बात होगी यूपीपीएससी के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अब बात करेंगे कि यूपीपीएससी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी एआरओ की इन हैंड सैलरी क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है 44,900 है, ग्रेड पे जो होता है इनका 4600, डीए जो होता है वो 13,919 31% के हिसाब से, एचआरए जो है आपका, ये एचआरए जो है आपका एक्स सिटीज़ के हिसाब से 12,123, ठीक है। और सीसी हो गया, सेक्शन अलाउंस हो गया, और तो ग्रॉस सैलरी जो बनती है 72,962 के अराउंड बनती है, ठीक है। और वही डिडक्शन के बाद यानी कि एनपीएस डिडक्शन वगैरह करने के बाद जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 66,000 के अराउंड मिलती है, ठीक है। अप्रॉक्स आपकी इन हैंड सैलरी हो गई आपकी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी कि एआरओ की इन हैंड सैलरी। वहीं अगर देखेंगे कि आरओ की यानी कि रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की इन हैंड सैलरी क्या होती है, तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो बेसिक पे उसका ज़्यादा अच्छा है, मतलब ऊपर की पोस्ट है तो अच्छा होगा ही ऑलरेडी। तो बेसिक पे उसमें 47,600 और ग्रेड पे 4,800, डीए आपका 14,756 31% के हिसाब से, एचआरए 12,852, और तो ये सब ग्रॉस सैलरी मिला के हो जाती है 77,228। वहीं डिडक्शन करने के बाद जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो 70,543 की होती है यूपीपीएससी आरओ यानी कि रिव्यू ऑफिसर समीक्षा अधिकारी की इन हैंड सैलरी के बारे में हमने बात की यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि यूपीपीएससी एआरओ और आरओ की समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये प्रमोशन क्राइटेरिया हर एक कैंडिडेट जानना चाहता है कि क्या कैसे प्रमोट किया जाता है और किस कितना टाइम लगता है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट फेज़ है, तो इसे ध्यान से सुने और ध्यान से समझें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एआरओ की पोस्ट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि अगर आपको थोड़ा अर्ली एज में ज्वाइन करना पड़ता है, 25 की एज से पहले ज्वाइन करना होगा, तभी जाके आप स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट तक जा पाएंगे, वरना आपका जो पोस्ट होगा वो अंडर सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी तक ही रह जाएगा, ठीक है। और स्पेशल सेक्रेटरी जो पोस्ट होती है वो आईएएस के लेवल की पोस्ट होती है, वो आईएएस भी जो होते हैं वो यहाँ पे प्रमोट किए जाते हैं, मतलब उनको यहाँ पे भी प्लेसमेंट मिलती है। यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ एआरओ का जो ग्रेड पे होता है 4600 होता है, जहाँ से आपको 3 से 5 साल लगते हैं रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी के लेवल पर जाने के लिए। जहाँ पर ग्रेड पे होता है 4800, लेवल 8 की पोस्ट है, यहाँ से आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस लेना होता है जिससे आपको प्रमोट किया जाता है सेक्शन ऑफिसर पे।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम आपको देना पड़ता है रिव्यू ऑफिसर यानी कि समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पे। उसके बाद आपका पोस्ट प्रमोशन जो है जल्दी जल्दी हो जाता है। सेक्शन ऑफिसर में आपका 5400 का ग्रेड पे है, 3 से 5 साल यहाँ पे आपको देने पड़ते हैं। फिर अंडर सेक्रेटरी 6600 का ग्रेड पे और 2 से 3 ईयर्स मतलब 2 से 3 साल। वहीं ड्यूटी सेक्रेटरी 7600 का है, 2 से 4 साल। और जॉइंट सेक्रेटरी 8700 का है जो कि लेवल 13 है, और यहाँ पे आपको 2 से 5 साल देने पड़ते हैं। जो कि इसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो टॉप लेवल की पोस्ट पे होता है, स्पेशल सेक्रेटरी। ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रेड पे होता है 8900 और लेवल 13A है। यहाँ पे आपको जो उस हिसाब से आपको सैलरी मिलती है, सैलरी बहुत ही अच्छी मिलती है यहाँ पे आपको। ये बात जानना ज़रूरी है क्योंकि एकदम टॉप लेवल पोस्ट है तो सैलरी ऑफ कोर्स सी बात है कि सैलरी अच्छी मिलने वाली ही है। ठीक है, तो ये आपकी बात हो गई UPSC ARO RO समीक्षा अधिकारी प्रमोशन क्राइटेरिया के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि आपका इसमें UPSC में ARO और RO और समीक्षा अधिकारी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, इनको रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना होता है। ठीक है, और हेल्पिंग योर जूनियर्स इन सेग्रीगेशन एंड मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड, इशू लेटर्स करने लेटर इशू करने होते हैं CM ऑफिस सेक्शन वगैरह में, कॉन्फिडेंशियल जो इन्फॉर्मेशन होती है उन सब के डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ये सब आपको देखना पड़ता है। ठीक है, तो आपका जॉब प्रोफाइल हो गया UPSC ARO RO के बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बता दी सारी बातें कि इन हैंड सैलरी क्या होती है ARO RO यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी की इन हैंड सैलरी क्या होती है, प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन कैसे क्या होता है, क्राइटेरिया, ठीक है, जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हमारी टीम आपका उसको जल्द से जल्द सॉल्यूशन कर देगी। ठीक है, और अगर आपको और भी किसी पोस्ट के बारे में जानना है इन डिटेल तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसके बाद उसके ऊपर भी हमारी टीम आपकी वीडियो बनाएगी और जल्दी पोस्ट करेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।